दोस्तों, हमेशा हेल्दी रहने के लिए सही समय पर खाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे कई तरह की बीमारियों का खतरा हमारे शरीर से टलता है, साथ ही शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद भी मिलती है। लेकिन दोस्तों, कई लोग इस नियम को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हाल ही में हुए दोस्तों एक शोध में सामने आया है कि जो लोग खाना समय पर खाते हैं या फिर खाने का नियम बनाकर चलते हैं, उन्हें बीमारियां कम होती है, काफी कम वे बीमार होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि खाना खाने की सही टाइमिंग क्या होती है, साथ ही इससे आपको क्या लाभ होंगे, आपकी बॉडी को क्या लाभ होंगे, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नाश्ते के बारे में, आपको नाश्ता कब करना चाहिए। दोस्तों, आप नाश्ता करते हैं तो वो आपको सुबह के 7 बजे से 8 बजे के बीच में नाश्ता कर लेना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है। और दोस्तों, मान ले कि जैसे कि आप सवेरे 7 बजे उठते हैं, तो आपको उठने के आधे घंटे बाद नाश्ता कर लेना चाहिए। नाश्ते में दोस्तों एक बात का आप ध्यान दें, 7 से 8 के बीच में आपको नाश्ता करना है। उसके बाद अगर 10 बज जाए, आप कोई काम कर रहे हैं और नाश्ता भूल गए हैं और 10 बज चुके हैं, तो उसके बाद आपको नाश्ता नहीं करना है। वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। 10 बजे बाद आप नाश्ता नहीं करें। उसके बाद आता है दोस्तों लंच का समय, कि हमें लंच कब करना चाहिए। लंच दोस्तों दोपहर के 12:30 से 2 बजे के बीच में करना चाहिए। दोस्तों आप ध्यान दें कि 4 बजे के बाद आपको लंच नहीं करना है। अगर 12:30 से 2 के बीच में आप लंच नहीं कर पाए हैं, तो आप 4 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन 4 बजे के बाद आपको लंच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नाश्ते और लंच के बीच का समय 4 घंटे होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे का समय हो, उससे ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। ये भी काफी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों डिनर का समय। डिनर का समय दोस्तों होता है 6:00 से 9:00 के बीच में। और दोस्तों, अगर आप डिनर भूल भी गए हैं, तो रात को 10 बजे के बाद आपको डिनर नहीं करना है। 10 बजे के बाद दोस्तों आप डिनर करते हैं, तो आपके शरीर को पचाने में समय लगता है, और आपका शरीर जो है, पाचन तंत्र जो है, वो दिन रात काम करता है, जिसके दौरान शरीर को रिलैक्स नहीं मिलता है, साथ ही उसको रेस्ट नहीं मिलता है, और आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है। इसलिए हो सके तो 6 से 9 बजे के बीच में आप डिनर कर लें, और सोने से 3 घंटे पहले आपको करना है। अगर आप रात की 9 बजे डिनर करते हैं, तो आपको 12-1 बजे के बीच में सोना पड़ता है, तो इसलिए जल्दी कर लें। तो दोस्तों, ये थी खाने से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।